अच्छा। क्योंकि ये एलविश एक बार उसके साथ भी गया था ना, वो बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनका क्या नाम है, कौन? जो कपिल शर्मा शो में भी आए थे। हाँ, हर्ष बेनीवाल। तो जो हर्ष बेनीवाल जो है, जिनकी मूवी रिलीज हुई करण जौहर के साथ एज अ कॉमेडियन, तो उनके साथ भी ये थे। तो पता नहीं अभी ये एलविश यादव का क्या सीन है, जहां पे भी पेड़ झुका है, फलों से लदालत भरा पड़ा है, वहां हमारे एलविश यादव चले जाते हैं लटक लटक कर फल खाने के लिए। थारा भाई जोगिंदर पे आ जाओ भाई वापस। गलती हो गई भाई। अरे उसको ठीक कर दे, वो थोड़ा अरे टाइम। थारा भाई जोगिंदर यार अभी तक वो नहीं करा यार, मेरे को रिक्वेस्ट ही नहीं अरे ये किया। जो थारा भाई जोगिंदर है ना, ये इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अगर इंग्लिश में कुछ बोल दिया तो इसको पता नहीं है ना, तो इसीलिए ये डरता है। मतलब ये जब मेरे साथ लाइव आया था ना, तो इसने मुझे पहले ही बता दिया कि पूरी तरह से हिंदी बोलना, समझा? इसने लाइव में आने के पहले हाथ जोड़ के मुझे कहा कि दीपक सर पूरी तरह से हिंदी बोलना। ये जो थारा भाई जोगिंदर है ना, इसको अगर कुछ पूछ लिया तुम लोगों ने इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा ना, बावला हो जाएगा, इसीलिए वो डरता है। फिर ये क्या करता है, इसको अगर इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो ये छाती पीटन लगता है। यार तकेश नहीं आ रहा यार, बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, जोगिंदर आ रहा। जोगिंदर आ जा यार मेरे लाल। थगेश डर रहा है भाई, दीपक भाई से डर रहा है थगेश। आपसे डर गया देखो यार तगेश थगेश। एक अच्छा लड़का है, मैंने उसके वीडियोस देखे हैं, वो भी रोस्ट ही करता है। और लेकिन सम्राट मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता है। मतलब सम्राट के जो वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है कि सम्राट बहुत बड़ा पॉलिटिशियन वगैरह ऐसे बनना चाहता है और बहुत बड़ा इंडिया में बदलाव लाना चाहता है, क्योंकि सम्राट के वीडियो में मुझे कॉमेडी कम नजर आती है और सीरियसनेस मुझे ज्यादा नजर आता है। सम्राट पैसे लेके वीडियो बनाता है। हाँ, ऐसे लग रहा था, आज भी वो कुछ बोल रहा था किसी, वो ये कार्ड बनाओ, क्या वो कौन सा अरे कार्ड? भाई वो आयुष्मान कार्ड है, मोदी गवर्नमेंट की स्कीम है, वो 150 रुपए का बनता है, इनकेस अगर अरे आपको भाई कुछ हो मोदी जाए ने तो। अभी पेट्रोल का भाव 102 कर दिया, अभी तू उसकी स्कीम बताएगा तो लोग तो और बर्बाद हो जाएंगे। अरे भाई उसमें क्या रहता है, इलाज फ्री में हो जाता है, तो अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है या फिर आप बीमार हो तो फ्री में हो जाता है, हॉस्पिटल में लग जाता है। तो मैंने बोला या तो इंश्योरेंस करा लो, नहीं तो फिर आयुष्मान कार्ड बना लो, वरना कल को अगर दिक्कत आएगी तो फिर तुम क्राउड फंडिंग करोगे, ये ऐसे लोग आएंगे बीच में मीडिएटर बन के और पैसा खाएंगे तुम्हारा। यार तो मेरा इंटेंशन वो था उस मैं तो चीज ये को लेके। कार्ड नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं हाँ तो लंदन पेरिस न्यूयॉर्क वहां पे पैसे वाले घूमूंगा, तो हो। मुझे तो आयुष्मान कार्ड यूजलेस है। हाँ मतलब अगर मैं ये कार्ड बनाऊंगा और अगर मेरा समझो मेरे लैम्बोर्गिनी में या मेरे फरारी में अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कैसे कवर होगा, क्योंकि मैं तो मेरा जो दर्द है वो लंदनर्स पेरिशर्स न्यूयॉर्कर्स और टोरंटोनियंस को बताऊंगा, इंडिया में मेरी कौन सुनेगा? तो भाई मेरे लिए तो आयुष्मान इतना यूजफुल नहीं है। या वी नो ब्रो, आपके लिए मैंने बोला भी नहीं है, आप तो पैसे वाले हो, जो आदमी फाइनेंशियली थोड़ा वीक है। भाई मैं पैसे मेरा वाला नहीं हूं, मैं डॉलर्स वाला हूं। ऑल राइट, आप डॉलर्स वाले हो, आप रियाल वाले, दिनार वाले, पौंड वाले, सब हो आप। ऑल राइट, आपको जितना कन्वर्सेशन करना आप लक्ष्य चौधरी से करिए भाई, मैं इधर सुन रहा हूँ आराम से। ठीक है, और आप बताइयो भाई, बताओ ये लक्ष्य। मुझे सरनेम का समझ में नहीं आ रहा, ये चुदरी क्या होता है, ये सरनेम क्या है ये चुदरी? अच्छा हाँ दीपक भाई, हरियाणवी बोल के तो दिखाओ यार। सिस्टम पार देंगे, जौन के बदले जौन, गौंड के बदले गौंड देंगे, गौंड में हाथ डाल देंगे, मुंह में मुंह देंगे, यार ये क्या अरे है सब कुछ? अरे लाइफ में कुछ अच्छा करो यार, कमोड बने वहां भाई पे जाके भाई करो ना, मुंह में कर भाई देंगे भाई और भाई, अंदर हाथी डाल देंगे। एक बार वो चाय पीलो वाला कर दो भाई, वो एपिक था यार। चाय पियोगे, पापे खाओगे, सुबह सुबह बेंचो दो, तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तड़ फैला के ऐसे वीडियो बनाते हो। हाँ अरे लाइफ में कुछ अच्छा करो, ऊपर वाले को जवाब देना है, लन्न लोगे बुन्न लोगे, दोगे तो सब लोगे, अरे कुछ अच्छा करो, मेरे जैसे वीडियो बनाए, मेरे जो वीडियो है वो समाज में जागृति फैलाते हैं, उन्नति लाते हैं,
ऐसे कुछ वीडियो बनाओ, लाइफ में कुछ अच्छा करो, किसी दगड़दली माँ दे बची हो, किसी गश्ती माँ दे बची हो, किसी रंगीन आंटी दे बची हो, कुछ अच्छा करो, खुदी दो यार। आ नहीं रहा क्या वो थारा भाई जोगिंदर? नहीं आ रहा क्या यार? वो आ जा यार, उसको मैं इतना डीएम डाल चुका हूँ, आ जा, पता नहीं एक बार वो मैसेज कर देना, मजा आ जाएगा, चार लोगों में एपिक सीन हो जाएगा। दीपक भाई को पैसे दे के लाए हैं उसके लिए। हाँ यार, फंड करा इनको कश्मीर में डॉलर से, वो भी नहीं है। अरे मेरी फ्रेंड आई है जसलीन मथारू, ऐड ऐड कर लेते हैं। जसलीन मथारू प्लीज कॉल पर आओ। जसलीन मथारू जो थी वो बिग बॉस में थी और अनूप जलोटा के साथ, और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जसलीन मथारू। जसलीन मथारू सम्राट भाई के लाइव में पधारू। एक कमेंट कर दीजिए आप, मैं आपको डायरेक्ट कर लूंगा ऐड जो भी आप। जसलीन मथारू सच में आई है ना कि परेशान कर रहे हैं? हाँ हाँ जसलीन मथारू आई है, मैंने देखा ये बिग बॉस में थी अनूप जलोटा के साथ। और जसलीन मथारू जो है वो बहुत बहुत बड़ी सी अच्छी सिंगर है, और इनके न्यूयॉर्क में, टोरंटो में, पेरिस में, हर जगह पे इनके शोज होते हैं। नहीं दिख रहा यार इनका डीएम ही नहीं दिख रहा। अरे अभी आई है, मैंने देखा जसलीन मथारू एड वाला देखा करो, उसमें आ जाती। अरे उसमें नहीं दिख रहा भाई, रिक्वेस्ट ही नहीं दिख रही उसमें भाई, बहुत सारी रिक्वेस्ट है। तो मुझे लगता है कि ये सम्राट भाई लाइव इतना चलाते नहीं है क्या? ये गांव देहात के हैं लाइव में भाई, 2000 लोगों का रिक्वेस्ट कैसे देख लूं मैं उसमें? थगेश बैठा हुआ है, ठीक है रिक्वेस्ट सी हॉल पे जाता हूं। यार थगेश भाई 5 मिनट को आ जा बस। अरे आ जा यार थगेश यार, कैसा कर रहा बच्चों जैसा, कुछ नहीं होगा, नहीं कैंसिल होने देंगे तेरे को। जसलीन यार एक और यार मैंने इनका फ्लैट देखा, इन्होंने एलविश यादव ने बहुत अच्छा फ्लैट लिया है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा उनका फ्लैट। चलो भाई रुकवा देते हैं आपको वहां पे। उन्होंने तीन बैल्कनीज है उसको, बहुत अच्छा है। नहीं है भाई जसलीन, जसलीन नाम का कोई नहीं है भाई लाइव में, कोई नहीं है सर्च, क्योंकि मैंने अभी देखा था। हाँ उनको बोल दो ना एक मैसेज, ओ एक कैसा डाल दें, हाय मैं यहीं की यहीं ऐड कर दूंगा। तो भेजना थगेश, थगेश को भेजा, दोबारा भेजा है भाई, दोबारा आ रहा है थगेश। आ जा यार, कैसे कैसे नाटक कर रहा है यार, एक मिनट में देखता हूँ, वेट। और आपका ये ऑफिस का, आपका ये ऑफिस कहाँ पर है? मेरा? हाँ नोएडा। अच्छा अच्छा और आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पे रहते हो लक्ष्य? मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं नोएडा ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा और सम्राट कहाँ पे रहते हैं? मैं गुड़गांव में रहता हूँ भाई, एलविश के साथ ही। अच्छा अच्छा एलविश मेरा अगल बगल में ही इधर। अच्छा अरे ले ले यार थगेश, आना यार, कितने बार रिक्वेस्ट कराएगा ब्रो। थगेश ऑफिस चला गया यार। अरे थगेश आ जाओ, मैं आपको रोस्ट नहीं करूंगा। आ जा भाई यार, आ जा। और तू भाई का नाम है तेरा? थारा भाई जोगिंदर फेक आईडी से देख रहा हूँ, तो भी आ जा ब्रो, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट बहुत जेंटली बात करेंगे, कोई गाली नहीं देगा, बदतमीजी नहीं करेंगे। आ जा ब्रो, नहीं आएगा जोगिंदर। थारा भाई जोगिंदर का गांव का नाम क्या है? पता नहीं, आपको पता होगा भाई। अरे यार उसने मुझे कल एक फोटो भेजा, मतलब मैंने उसको कल वीडियो कॉल किया था तो उसने मुझे उसका घर दिखाया। यार कसम से कह रहा हूँ, मेरी आंखों से बिस्तरी ये पानी आ गया यार, सीरियसली यार मुझे इतना इतना बुरा लगा, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। क्यों? तो मैंने सोचा चलो यार यू नो, अगर मैं फेमस हो जाता हूँ और मेरे दो चार वीडियो बनाने के बाद अगर इसको सोशल मीडिया से इनकम आता है, मेरे वीडियो बनाने के बाद अगर इसके घर का माइक्रोवेव जलता, माइक्रोवेव नहीं सॉरी क्या इंडियंस क्या यूज करते हैं, चूल्हा सॉरी, तो मेरे अगर कुछ वीडियोस बनाने से ये गरीब का चूल्हा जलता है तो क्या बुरा है। इसीलिए यार मैंने उसका मुद्दा उठाया। और तुम्हें पता है मैंने जब इसका मुद्दा उठाया ना तो बहुत सारे लोग जो मतलब देखो अभी तक तो इसको पेंचर करने वाले लोग देखते थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसका मुद्दा उठाया इसको दो चार सेलिब्रिटी देखने लगे। अच्छा और ये इतना आसमान में चढ़ रहा है, इसको किसी रोहतक का कोई सिंगर है
उसका मैसेज आया तो ये इतना आसमान में चढ़ने लगा कि मुझे कोई बहुत बड़े सिंगर ने जो है वो मैसेज किया। सोचो, वो सिंगर का नाम कुछ रोहतकिया है। फाजिलपुरिया? नहीं नहीं फाजिलपुरिया तो चलो फिर भी बड़ा है, वो उधर रहता है, वो रोहतक में। तुम्हारे बिग बॉस का क्या सीन है भाई, जा रहे हो कि नहीं? अरे मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से परेशान हूँ, तुम्हें पता है मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ। हाँ, तो मेरा इसका इलाज चल रहा है, तो जिसके चलते मेरा बिग बॉस हो नहीं पाया। क्या होता तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक्चुअली बिग ब्रदर में आऊं। तो बिग ब्रदर में जो है, हाँ, तो इसके चलते मेरा बिग ब्रदर में कैंसिल हो गया। फिर मैंने बिग ब्रदर में नहीं, तो मैंने सोचा चलो बिग बॉस में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो इसीलिए मैंने बिग बॉस के लिए ट्राई किया, लेकिन मैं बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा हूँ। तो मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ, और ये जो बीमारी है ये अमिताभ बच्चन को भी है। क्या हो? अच्छा, ये एक इन्फेक्शन है और ये एसटीडी डिसीज है। तो मैं एक्चुअली पहले थाईलैंड में जाता था, वहां पे बहुत सारे फक फेस्टिवल में अटेंड करता था, तो जिसके चलते मुझे ये बीमारी हो गई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है, जो गलतियां मैंने की, मैंने जिंदगी में ड्रग्स किए, मैंने 12 करोड़ ड्रग्स में खर्च किए। अगर आप मेरी ऑटोबायोग्राफी देखोगे तो बहुत आपको दुख होगा। तो वहां पे मैंने बहुत सारे ड्रग्स किए, फिर मैंने बहुत सारे फक फेस्टिवल अटेंड किए। तो जवानी में जो मैंने गलतियां की, और मैंने इतने जवानी में गलतियां की को मेरे डैडी को हमारे मायामी के क्रूज तक बेचने पड़े। बहुत बड़ा हुआ भाई। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कहीं आपके मम्मी डैडी को उनके मायामी के क्रूज ना बेचने पड़े, तो प्लीज आप लोग जो मैंने किया वो मत करना। मेरे जितने भी यहाँ पे मुरीद हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब मेरे बुलिया हो, मैं आपका साहिबा हूं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग ये गलतियां ना दोहराएं। अगर आप कुछ भी ड्रग्स करते हो, भले वो हैश, मैरिवाना, एक्सटेसी, कैलिफोर्नियन सनशाइन, जमैकन गांजा, मैट्रिक्स, लिजर्ड, एसिड ट्रिप, हॉफमन, एमडीएमए, अगर आप कुछ भी ये सब करते हो, मैं स्नेक बाइट्स लेता था ब्राजील के जंगल में जाकर, आप ये सब लोग मत करो प्लीज, ये सब गलत काम है। ये नीचे देखो, ये कमेंट कर रहा है कि हमारे पास चाइनी खैनी खाने को पैसे नहीं है, भोसड़ी के इतने नाम मत गिनवा। ये देखो नीचे, थारा भाई जोगिंदर का दोस्त मैसेज कर रहा है, थारा भाई जोगिंदर का दोस्त कह रहा है, भाई मेरे चैनी खैनी खाने के वांदे, कहां हमको ब्राजील के जंगल में स्नेक बाइट दिलवा रहा है। ये देखो उसके दोस्त मैसेज कर रहे है, आजा भाई थारे भाई जोगिंदर। यार गाइस, आप जितने भी लोग देख रहे हैं जाकर उसको डीएम करो थारा भाई जोगिंदर को, और अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे मेंशन करो उसे बार बार, आप करोगे तो वो आ जाएगा। मैंने डीएम करा, मेरे सारे मैसेज उसने अनसेंड कर दिए, शायद मुझे ब्लॉक भी कर रखा हो, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट होप सो, हो सकता है ऐसा। तो प्लीज उसको एक बार डीएम करो, एंड हो सके तो इधर भी मेंशन करो, ठीक है भाई? देखो जोगिंदर को, आपकी जो ये आप जो बातें करते हो ना, तो ही इज नॉट स्पोर्ट। अगर आपको लोगों के मतलब, अगर कोई भी, इफ एनीबडी टेल्स यू इन अ सार्कास्टिकल वे, इन अ एक्रिड वे, इन अ चिलियस वे, इन अ बिटरसम वे, सो यू शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमर इन इट। देखो ये रोस्टिंग वगैरह जो चीज है ना, वो बंदा समझता है जो बंदा एजुकेटेड हो, यू नो। आप मुझे बताओ, अगर आपका एजुकेशन हरियाणवी मीडियम पाठशाला नंबर 4 में हुआ है, तो आप इस बात को कैसे समझेंगे? आपको तो सिर्फ यही पता है कि सामने वाले मेरे को बुरा बोला है, बट सी, अगर सामने वाले ने आपके लिए बुरा बोला है तो वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला है, वो आप कौन से संदर्भ में बोला है, वही आपको पता नहीं है। तो जोगिंदर जो है वो भड़का हुआ है, वो इसीलिए, वाह ही सो हॉटी सॉसी इम्प्यूडेंट आइसोलेंट अरोगेंट, बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड द ह्यूमर। उसको पता नहीं है कि, उसको वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जो है वो रोस्टर है, उसको पता ही नहीं। अच्छा, दूसरी, आप दोनों की ब्लू टिक देख के ये डर गया कि भाई ये वेरीफाइड लोग मुझे नंगा पुंगा ना कर दे, तो इसीलिए ये डर रहा है, ये खौफ में है, क्योंकि इसको पता चल गया है। अच्छा, दूसरी बात, इसने ये जो स्कैम किया है, इसको पता है कि लोग अभी इसकी पिचाई करेंगे बाटा से, क्योंकि उसके पड़ोसी रिबॉक नाइकी वाले तो है नहीं।
मेरी मम्मी मुझे बचपन में जिम्मी चू से मारती थी क्योंकि हम लोग ब्रांडेड है। तो अभी आएंगे पड़ोसी यहाँ पे, इसको मारेंगे, कहेंगे ओ घी का लाड़ा, हरियाणा को पैसों खा गया ओ घी का लाड़ा, ऐसे कहेंगे इसको। इसीलिए अभी ये टेंशन में है, लेकिन हमें इस बात को बढ़ावा देना है, हमें जली हुई आग में घी डालना है और लोगों के दिमाग में हमें ये फिट कर देना है कि इसने स्कैम किया है और इसने हरियाणवी लोगों के इमोशंस का फायदा उठा के उसमें अपनी रोटियां सेकी हैं। भाई इस तरह के ये जो बंदे हैं इनसे दूर रहो। मैंने अभी सम्राट भाई का वीडियो देखा, सम्राट भाई ने यही कहा कि भाई आप लोग ये लोगों के जाल में फंस जाते हो क्योंकि ये लोगों का काम ही यही है। ये लोग जो होते हैं ये प्रूडेंट होते हैं, ये गिलफुल होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे धूर्त। प्रूडेंट का मतलब है शाने, ये लोग शाने होते हैं, ये धूर्त होते हैं, ये गिलफुल होते हैं। तो इन जैसे लोगों को हमें बचना है। अच्छा, और जब इनके पास पैसा आ जाता है तो फिर ये बोस्टफुल बन जाते हैं। बोस्टफुल मतलब बड़ी बड़ी फेंकने वाला, कल तक हाथ जोड़ के लोगों से पैसे मांगने वाला, अभी ये बड़ी बड़ी क्योंकि अभी इसके पास पैसा आ गया है। पहले ये बिल्ली बन बैठा था लेकिन अभी ये शेर, इसको शेर किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। पहले ये लोग ये क्या करता था, पहले लोगों के पास जा के लोगों को चुपे लगा लगा के उनको वाईफाई का पासवर्ड मांग मांग के उनके बंगलों के सामने वीडियो बनाता था। भाई बापूजी कौन आ बताइयो, पासवर्ड दे दियो, तेरे बंगले के पिछवाड़े में जाके वीडियो बना लूंगा, तेरी स्टोरी डाल दूंगा, है ना। तो बापू जो है इसको पासवर्ड दे देता था, बापू का बेटा इसकी ये स्टोरी डाल देता था, फिर किसी बंदे को पकड़ लिया। हाँ, और ये लोग जो है ये कार में घूमते हैं, फिर रात को ये लोग कहते हैं 200 रुपया घिटोरनी, 300 रुपया छत्तरपुर, एमजी रोड, ये इनके काम है। भाई ये सब जो लोग हैं, बातें बड़ी बड़ी वो कहते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे सब ऐसे होता है, लेकिन दीपक कलाल सच्चा है। दीपक कलाल के मम्मी डैडी के फोटो देखो, अभी मैंने मेरे मम्मी का वीडियो डाला है मेक्सिको का। मेरे मम्मी डैडी अभी मेक्सिको में कैनकुन घूमने के लिए गए थे, और ये थारा भाई जोगिंदर जैसे लोग सिर्फ मेक्सिको देखते हैं, करण औजला के गाने में देख के खुश हो जाते हैं। भाई ये लोग 10 लोग मिलके गड्डी में तेल डालते हैं और आगरा में पहुंचने के पहले मथुरा से ही यूटर्न ले लेते हैं, समझे भाई। इनने एक डायलॉग मारा था, तुझे बिग बॉस में जाना है ना, बोले ट्रेन से जाएगा, जब तक पहुंचेगा फिनाले हो जाएगा, बोले ठीक है, पैसेंजर तो जब तक पहुंचेगा तब तक फिनाले हो जाएगा, बोले मतलब क्या तेरे जाने का। मैंने कहा भाई ऑडिशन तो तू करे ना, पैसेंजर तूने पकड़नी है दिल्ली से बंबई की, और जब तक तू पहुंचो तब तक तो बिग बॉस का फिनाले हो जावे। बताओ भाई एक और कहता कि ये जो वहां पे महाराष्ट्र में झुग्गियां होती हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया की होती हैं, ठीक है, लेकिन जो भाव की जो जगह है वो हिंदुस्तान नहीं, महाराष्ट्र टाइम्स की, क्या था भाई वो? नहीं, मैंने ऐसे बोला कि हर जगह पे झुग्गी झोपड़ी होती है, बराबर है, तो जैसे कि ये हिंदुस्तानी भाव है वो महाराष्ट्र टाइम्स की झुग्गी झोपड़ी में न्यूज़पेपर, मतलब वो जो झुग्गी झोपड़ी के लिए न्यूज़पेपर यूज करता है ना, वो न्यूज़पेपर का नाम है महाराष्ट्र टाइम्स, और ये जो यूज करता है ना, ये जिंद जज्जर टाइम्स की झुग्गी झोपड़ी में रहता है ये तारा भाई जोगिंदर। इसके न्यूज़पेपर जो ढका है उसके ऊपर लिखा है जिंद जज्जर। एक बार मुझे दोबारा ऐड करो सम्राट, मेरे में कमेंट नहीं। ठीक है भाई, रिमूव हो जाओ। क्यों? इसके मैं कमेंट ले रहा हूं लाइन पर ले रहा हूं। इसके मैं कमेंट नहीं चल रहे थे। आओ लक्ष्य भाई, भाई तुम्हारे इतना सही ह्यूमर यार, तुम रोस्ट रोस्ट करो यार सच में। अरे एक्चुअली मैं सच कहूं क्या, मुझे है ना ये मोबाइल चलाना इतना आता नहीं है, अभी ये रोस्ट में कैसे है ना एडिटिंग करना पड़ता है सब। नहीं लाइव आके भी करोगे ना तो अच्छा ह्यूमर है भाई तुम्हारा, बस ये क्या कभी कभार ऑफेंसिव बोल देते हो, वो तुम्हारी चॉइस है भाई, बोलना चाहो नहीं बोलना चाहो, बट
मेरी तो यही सलाह रहेगी, मत बोलो ऑफेंसिव, ह्यूमर अच्छा है आपका, आप ट्राई करोगे डेफिनेटली यार। आपका अच्छा है ह्यूमर। आओ भाई लक्ष्य यार, तुम्हारा कुछ गलत इरादे लग क्या हुआ है ये लक्ष्य को? ऐसे तो नहीं लग रहा है कि मैं इसको ना रोस्ट करना चालू कर दूं? हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं करेगा वो, भागता तो नहीं। अरे क्योंकि मैं एक शेर हूँ, जब तक मेरे मुंह पे खून लगता है ना तब तक ठीक है, अगर खून सूख जाता है तो मैं नया शिकार ढूंढते रहता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लक्ष्य तो इंटेलेक्चुअल है, तो लक्ष्य को लगा कि मैं ना इसका भक्ष बन जाऊं, तो भक्ष न बनने के चक्कर में ये दुर्लक्ष हो गया। भाई मेरे को ना क्या डर लग रहा है अब आपसे थोड़ा सा, एक ना मैं एक बार ट्राई कर लूं लक्ष्य भाई को। लक्ष्य भाई आ जाओ तुम यार, आ गया लक्ष्य आ गया। अच्छा इसको इसको ले लो, ये डेरी डेरी बान शीद को ले लो, डेरी बान शीद, इसका नाम है आदित्य पटेल, आदित्य पटेल। आ गया भाई लक्ष्य आ गया। अरे आदित्य पटेल है, इसको कॉल पे लो, आदित्य पटेल। ये भाई न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा पनौड़ी है, न्यूयॉर्क में इसने पान बेच बेच के बहुत पैसा कमाया, इसके पास पैसा ठोक के होता है, ये बहुत बड़ा पनौड़ी है। आदित्य भाई रिक्वेस्ट भेज। अरे वो नहीं आ रहा गया यार थारा भाई। अरे यार थारा भाई ऐसी तैसी करा रहे अपनी, थारा भाई को बहुत देर से मेरा मैसेज सीन कर रखा इसने, लेकिन क्या नाम बताया था भाई इसका? अरे बोला है भाई, कह रहा था आ जाएंगे देख लेंगे कर लेंगे, जो उखाड़ते बने उखाड़ लेना। अब यहाँ भाई 2-3 हजार रिक्वेस्ट है यार, पंडित अनुराग। अरे ये जो थारा भाई जोगिंदर है ना, मैं सीरियसली चाहिए कि मैं इसके मुंह में मुतूंगा, आप बता, मतलब इसको मैं बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा। और मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि मेरे प्रोटीन पिलाना चाहता हूँ दिल्ली वालों को, मेरे सुसु में प्रोटीन है, वो वीडियो मैंने बनाया था जो बहुत वायरल हुआ था। तो वही वीडियो हम बनाएंगे थारा भाई जोगिंदर के लिए। भाई आपके फैन आ रहे भाई बहुत बड़े। अच्छा क्या नाम है भाई? हेलो दीपक भाई, क्या हाल है आपके? मैं आपको बहुत बड़ा दीपक कलाल नोम है, गुड़गांव मेरा गोम है, और भाई चारों में मारा मारी में मेरी जौन पहचान है। भाई हम गौन में इतना पित्तल भर देते हैं ना कि डॉक्टर जो है ना भाई पित्तल बेच के पैसे कमावे। तेरा भाई जब आता है ना भाई दुनाली लेके घूमता है दिल्ली में, दुनाली देख लियो दीपक कलाल नाम टाइप करके। और भाई आप कहाँ से हो? आपकी शक्ल मुझे आदि मानव जैसे लग रही है, आप वो डंडा वंडा नहीं लेकर आए? हाँ भाई मैंने डार्विन ने एक सिद्धांत लिखा था कि पहले आदमी बंदर हुआ करता था, उसके बाद में फिर आप मुझे वो स्टोन एरा के लग रहे हो, तो आपके हाथ में एक पत्थर और एक भाला होना चाहिए। पत्थर और भाला भाई यही है दीपक भाई। अच्छा अच्छा हाँ, तो यार मुझे एक बात बताओ, जब डार्विन के सिद्धांत के अनुसार हम आदमी में कन्वर्ट हो गए, तुम आदि मानव कैसे रह गए? ये टेक्निकल गुरुजी है, टेक्निकल गुरुजी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो शुरू जी हो जाओ, अभी आपके बारे में बताओ, आप कहाँ से हो भाई? दीपक भाई मैं गोवा से। अच्छा अच्छा गोवा में कहाँ से हो आप? मैं दीपक भाई वैसे दिल्ली से हूँ, मैं गोवा में शिफ्ट हो गया हूँ अब। अच्छा अच्छा तो गोवा में कहाँ पे रहते हो? गोवा में साउथ गोवा। अच्छा अच्छा साउथ गोवा में रहते हो जी। ओके तो साउथ गोवा में वो कोलवा माजोड़ा कहाँ पे रहते हो? मैं मडगांव। भाई जोगिंदर आ गया। जोगिंदर आ गया। आ गया जोगिंदर। रुको 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 रुको, आ गया। अच्छा कितने लोग आ सकते हैं लाइव पे? 4 आ सकते हैं भाई। तो इसको समंदर में डुबा दो मडगांव के, ये जो नीचे वाला है इसको समंदर में बिठा दो, मैं साथ में लेके चलता हूँ धारा भाई को। अरे अच्छा आपको कोकणी आती है? नहीं भाई अभी सीखूंगा ये, मराज से अच्छा करते हैं। जोगिंदर मैसेज कर दे ब्रो, भाई 3 ही आ सकते हैं। मैं हटाऊं अपने आप को? जोगिंदर को ले लो यार प्लीज, आई रियली वांट जोगिंदर इन इट। ले लो ले, हटो हटो भैया हटो, हटा दे मेरे को, आप हटो मेरे को आता नहीं। अच्छा मेरे को हटना पड़ेगा, शिट। कलाल भाई ठीक है ओके चलो भाई,
दीपक दीपक भाई को हटा दे रहे हैं, जोगिंदर को ले ले रहे हैं। वंडा बाप अरे पागल है क्या, मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट हूँ क्या, जोगिंदर को ले रहे हैं दीपक को हटा रहे, पागल है क्या? अरे तेरे को मैंने इतनी इज्जत बख्शी, तेरे को रास नहीं आई क्या पागल? कल मैं वीडियो डाल दूंगा, तूने मेरे को प्रेग्नेंट किया, तू गे है, तूने मुझे चोको दिया, क्या रहेगा तेरा, पागल है क्या, मेरे को हटा रहे हैं? व्हाट्सएप चेक कर, व्हाट्सएप मैं हटू ना वो हो जाएगा क्या, मैं हटू ना लक्ष्य? अरे रुक जाओ रुक जाओ, तुम एक काम करो सुनो, हाँ दो मिनट लाइन पर, मैं दूसरा फोन लेके आ रहा हूँ, ठीक है? ले आओ ले आओ, तभी ऐड करेंगे। तब तक दीपक भाई आप मेरे को रोस्ट कर लो प्लीज, बढ़िया लग रहा है। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मैं यही चाहूंगा कि कोंकणी अच्छी लैंग्वेज है, उसमें आपका बहुत फायदा होगा, और अगर आप वहाँ पे कोंकणी सीखोगे ना, वहाँ के जो कोली लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। मछुआरन से प्यार करवाना है दीपक भाई? हाँ हाँ हाँ, अच्छा मछुआरन से जी। दीपक भाई कश्मीर के किंग है, किंग पता है मेरे भाई कश्मीर में, मेरी बहुत तुम्हें पता है, क्योंकि कश्मीर में लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, गुलमर्ग में मेरे नाम का एयरपोर्ट बनने वाला है, और कश्मीर की जो नई करेंसी होगी उस पे मेरा अक्स होगा। कश्मीर में डल झील में मेरा ऐसा स्टैचू बनेगा जिसकी पोजीशन ऐसे मॉ ऐसे होगी। तो भाई कश्मीर में दीपक कलाल की बहुत चाले, बहुत से लोग मुझे ऐसे कहते हैं हमारे गांव आओ प्रमोट करो, अब मैं ऐसे कहूंगा दीपक फ्रॉम कश्मीर मॉ, कितना अच्छा लगता है, ये कैसे लगेगा, दीपक फ्रॉम छतरपुर मॉ, अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कश्मीर में रहता हूँ। तो दीपक भाई श्रीनगर का नाम भी चेंज करवा दीजिएगा प्लीज सर, श्रीनगर का नाम दीपनगर करने वाले हैं, दीपनगर दीपनगर यस। और वैसे आपका नाम क्या है? मधुर। क्या? मधुर। अच्छा अच्छा मधुर, ओके ओके, मधुर का मतलब होता है मीठा, तो आप क्या मीठे हो क्या? मधुर नहीं, का नहीं। मतलब होता है स्वीट। हाँ बस, ये मतलब आपको पता है? हाँ जी पता है, पर मैं मीठा हूँ नहीं, खट्टा है, खट्टा हूँ मैं काफी, काफी सॉल्टी, नॉट खट्टा सॉल्टी। अरे आपके नाम में मधुर है, गांव भी गुड़गांव है, वहां पे भी गुड़ लगा दिया, तो अगर आप इतने मीठे हो हा? और अभी जगह पे भी आप है गोवा में, तो यहाँ पर तो मीठे मतलब यहाँ पर मीठा है और खट्टा होने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो कुछ। अरे गोवा का मतलब है यू जस्ट हैव टू गो एंड से वाओ, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड, गो वाओ, गोवा, गो वाओ, आई सी। और आप क्या करते हो वहां पे गोवा में? अभी अभी कुछ नहीं करता दीपक भाई, अभी मैं I've just come here like 10 days ago and I plan to stay here for months and months। अच्छा अच्छा, लेकिन गोवा में अभी बहुत ज्यादा बारिश है और वहाँ पे सब रेस्टोरेंट्स बंद है, तो आप कैसे क्या करोगे फिर आप वहाँ पे सभी? This is how it looks like from my apartment, it's like raining heavily today। Okay okay। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पर रहूँगा for some time। I think अच्छा अच्छा। फेब तक मैं यहाँ पर रहने की सोच रहा हूँ। तब तक अच्छा, सीजन भी आ जाएगा। आई प्लान टू मेक वीडियोस अबाउट गोवा, अबाउट पीपल ऑफ गोवा, कल्चर ऑफ गोवा। अच्छा आप यूट्यूबर हो क्या? अभी बनने की सोच रहा हूँ मैं, आप लोगों से इंस्पिरेशन लेकर। हो गया, सारे रिमूव हो गए भाई इसमें तो, मधुर भाई। अरे मधुर भाई को ले लो, अब ले लेना मधुर को और उसको थारा भाई को, अबे दीपक चौध कर देगा भाई बेमतलब में। मधुर को ले रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ मधुर भाई आ जाओ, ये सारे हो गए यार एकदम कैंसिल, दोनों कैसे हो गए? अरे ये उसके थारा भाई के साथ चोद कर देता है यार। हाँ जोगिंदर को दोबारा मेंशन करो भाई, दोबारा मेंशन करो प्लीज भाई, लेकिन तुम्हारी गांड मार दी यार उसने। ओ यार भाई बहुत बहुत खतरनाक रोस्ट कर दिया, मेरा तो लाइफ का पहला रोस्ट भाई, बहुत बकचोद है ये, मेरा लाइफ का फर्स्ट रोस्ट था, वो भी लाइव कर दिया भाई ने, तो बहुत सारे लाइव जनता ने मेरे को रोस्ट किया, लाइव देख लिया। अरे भाई इसका ह्यूमर इतना तकड़ा है ना लाइव पे। अरे यार गिटोरनी
जर जिन कहाँ कहाँ के नाम ले रहा था यार दीपक, ये कह रहा इसको, वो कह रहा जोगिंदर कि मेरे को मेरी वीडियो करोड़ों लोगों ने देखी है, तो कह रहा नहीं करोड़ों में तो नहीं हजारों लाखों ने देखी होगी। फिर उसको बोला उसको हिंदुस्तानी बहू को कि हर बाप का एक सपना होता है, तेरा सपना भी है कि अपने बेटे को मुंबई परिवहन निगम में कंडक्टर बनाने का। भाई बहुत बकचोद, भाई बहुत बकचोद, अरे बहुत ज्यादा बकचोद है भाई ये। यार भाई मैं तो एक्सपेक्ट, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मेरे को रोस्ट किया जाएगा यहाँ पर। करो, वो भी श्री दीपक लाल द्वारा कह रहा था। जोगिंदर का कोई मैसेज आया क्या इस पे? आया था, लाइव में आया था, उससे मैसेज करा था कि लो शायद, ऐसा मुझे कंफर्म नहीं बट लोग कह रहे। तो अगर वो दोबारा आता है तो फिर मजा आ जाएगा। एक तो धमकी भी देके गया है मेरे को। अबे लाइव में ऑप्शन आता है ऐड कर लो भाई उसको। अरे ऑप्शन में दिखे तो भाई 1000 रिक्वेस्ट है भाई, मैं फॉलो नहीं कर रहा। ना ना, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग रिक्वेस्ट, और तू उसका नाम मेंशन करेगा तो उसके पास ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट चली जाएगी, ऊपर ऊपर आ जाएगा। बहन जो दीपक से गांड मरवा रहे हमारी भाई थारा, इसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा ब्रो, इसको खोल के फॉलो करना पड़ेगा। कहां गया थारा भाई, किसका है थारा भाई को? मेरे को भाई वो कह लगा मैं चीफ गेस्ट हूँ यार, बेचारा दीपक के साथ गलत कर दिया। किसका है थारा भाई? मारा भाई जोगिंदर जींद का, मजा आ गया लेकिन भाई रोस्ट मार के ना दिल खुश कर दिया इस आदमी ने, और खासकर मधुर भाई के में तो एक तरफ ही मजा आ गया। आदि मानव बना दिया यार, मतलब बोले मुझे लगता था कि मैं हैंडसम हूँ और भाई ने मेरे को आके आदि मानव बोल दिया यार। मेरी मेरे को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट किसने बोल दिया आप हैंडसम हो भैया? मुझे चुदरी उदरी ऐसा लगता था, मेरे को ऐसा अजम्पशंस थी, मुझे चुदरी उदरी बोल रहा था कुछ तेरे को भी बोल रहा। सुनना सुनना थारा भाई, अगर तू बाई चांस है इसमें लाइव में तो एक मैसेज डाल दे ब्रो प्लीज, मैं यहीं की यहां ऐड कर दूंगा। अबे जोगिंदर के इनबॉक्स में लाइव भेज दो, खुद ही आ जाएगा वो। हां ठीक है भाई, हां हां हां, राइट राइट राइट। थारा भाई प्लीज जॉइन दिस लाइव, वी वांट टू टॉक टू यू यार। मैं भेज रहा हूं। या अबे भेज दो यार, लाइव भेज दो। कर दिया भाई उसको, लाइव भेज दिया मैंने। ऑनलाइन है क्या? ऑनलाइन तो होगा, आके गया ना भाई, अभी राउंड मार के गया वो प्रॉपर भाई, आ गया टेस्ट। ट्रिम करके डालनी पड़ेगी। नहीं वो मम्मी पापा पे भी चला जाता है भाई दूसरों के। बहन जो स्टैंड टूट गया इसके चक्कर में ना, ये फोन वाला गोरिल्ला कोड के ऊपर वाला, वो मैंने दूसरी साइड को घुमा दिया बहुत ताकत से भाई, टूट गया वो बहन जो, तभी फेविक्विक वगैरह लगा के चला है। थारा भाई आजा, थारे भाई बेचारे चीफ गेस्ट को हटा दिया मैंने। यार जब तक तुम लोग थोड़ा व्यू देख सकते हो, थोड़ा आई कैन मेक यू गाइस फील जेलस। ऐसी जिंदगी में सब कुछ आ रहा हूं भैया, मैं आ रहा हूं, कितने पैसे लेके आऊं ये बता दो। पैसे लेकर आने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर खाना बनाना सीख कर आई हूं आंटी जी से। बस दो चीजें मेरे को, बस उसी चीज की रिक्वायरमेंट है। भाई 8-9 हजार लोग देख रहे हो यार, स्पैम करोगे अभी 2 सेकंड में आ जाएगा।
यार बहुत देर से वैसे स्पैम कर रहे हैं, मैंने अभी भाई को बोला है कि आई बिलीव इन थारा भाई जोगिंदर सुप्रीमेसी, पर वो फिर भी नहीं आ रहा। फोन कर दे जींद के, हिसार के, वहां के सारे एसएचओ साहब को फोन कर दे, आज इधर आजा फ्लैट पे, फ्लैट को बुला रहा डायरेक्टली। पक्का यही है। दीपक दीपक घांड मार के गया ना अभी। यार दीपक भाई बहुत बहुत बेइज्जती कर दी यार, मजा आ गया, मेरा तो दिल खुश कर दिया भाई। मेरे को अखिलेश भाई कॉल कर रहे हैं एक प्राइवेट नंबर से, मेरी गांड फट गई। लाइव चल रही है, क्या हो रहा है, इससे आया देख। अच्छा उस वाले फोन पे आया, कह रहा नो कॉलर आईडी लिखा है, नो कॉलर आईडी। भाई कॉल कर रहा है, फिर दोबारा आया वो नंबर है ना 1550 आगे पेंटा जीरो, उससे फोन आया। मैं समझ गया, मैं कहा अखिलेश भाई है, तब फोन उठा के बात की। आजकल मुझे पाकिस्तान से बहुत कॉल आ रहे हैं ना, इसको हटाएं उसको ले, ये मुझे व्हाट्सएप खेल रहे हैं, चैट कर रहे हैं मेरे साथ लाइव होके। तो भाई वो आया था बंदा, आया उसने मैसेज डाला कि लो मुझे लाइव। अच्छा तो फिर अब क्यों नहीं आ रहा, कैसा मुंह फुला के बैठा था लड़की हो जैसे, देखना यार ऐसे। मैं इसके कमेंट को सपोर्ट नहीं करता, ये लड़कियों के बारे में गलत बातें बोल रहा है, मतलब ये मुंह फुला के लड़कियों की तरह बैठना इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लड़कियां हां मैं सपोर्ट नहीं करता, मेरे दोस्त नहीं बैठते भाई, मेरी बंदी नाराज होती वही बैठती है ऐसे मुंह फुला के जैसे ये बैठा, और लड़की के कॉन्टेक्स्ट में बोलो मैंने बोला। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा इस बात को, तो मत करो यार, जरूरत भी नहीं आपके सपोर्ट की। जैसे गोवा में हो, दिल्ली में हो तो काम होता। अच्छा जिस दिन गोवा आएंगे उस दिन कर देना सपोर्ट। ग्रेट खली भाई, ग्रेट खली आया लाइव में, वो तगड़ा आया मेरा। नहीं भाई लोगों ने बोला, दो तीन लोगों ने बोला टेक्निकल गुरुजी लाइट या ब्रो, ही इज अ टेक्निकल भाई। दोपहर से मैंने खाना नहीं खाया तुम्हारे जोगिंदर के। तो मत खाओ ना यार, 2 मिनट भाई, 2 मिनट वेट कर लो, चलो अंताक्षरी खेलते हैं। गाओ मधुर भाई गाना गाओ, गाने का नाम बताओ, गाने का नाम वो गा दो यार, लक्ष्य बताना। गाने का नाम है वॉल्यूम लड्डू लड्डू लड्डू, कह के मैंने बोरा बोरा खा गिरे सुना दूं। गाना बजा रहा हूं मैं, रुको कौन सा बजा, नहीं वो नहीं, टिंग 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 नहीं बजाना है प्लीज, नहीं 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 वो बजा रहा हूं। ये हरियाणा का है ना, वही सब बजाएगा, चोरी चोरी ना बोला कर देसी रे, तो चीज लाजवाब है ना, सपना चौधरी, दीपक को ला भाई, दीपक को भी लाएंगे यार, पहले वो निखिल भाई भी आ गए। अरे मिले तो यार 1000 रिक्वेस्ट है भाई, अबे लौड़े उसके ऊपर ही आएगा भाई, नहीं यार फॉलोवर ज्यादा होते वो ऊपर आता है, नहीं आता जिसको उसके फॉलोवर ज्यादा होने तो चाहिए। अब उसको बोलो ना भाई, रिक्वेस्ट करे, मैसेज कर दे भाई यार, उसके इनबॉक्स में भेज दो ना इस लाइव को। बहन की चूत भाई यार, नहीं करना यार, लड़ नहीं करना मैं बहन को, ऐसे चिल्ला रहा भाई यार जैसे मैं नौकर हूं यार। अबे मुझे जाना भाई, 15-20 मिनट बाद गई। अरे कहीं नहीं जाना यार, घर में पड़े रहे तो 24 घंटे नौटंकी देखो। बारिश हो रही है बाहर, कहां जाना है तेरे को? एक सामान लेके आना है। अरे वो तो पड़े हुए होंगे तेरे ड्रॉअर में। वॉलेट में नहीं रखता तू? ना ना वो तो लाया था मैं वीडियो के लिए भाई, इसकी रिक्वेस्ट नहीं आई। अबे सम्राट यार फॉलो कर लेते लाइव से पहले, उसको इज्जत थोड़ी घट जाती तुम्हारी, तुम्हारे टॉप पे आता वो, फॉलो कर लेते तुम। अगर भाई मेरे पे चिल्ला रहा है यार तुम, शर्म नहीं आ रही ना एक लौंडे के लिए? कल क्या है लड़के के लिए? सरकारी स्कूल से पढ़ेंगे भोसड़ी के, फिर बोलेंगे इंस्टाग्राम पे लाइव नहीं हो रही। तुम प्राइवेट से पढ़ो ना, तुम कैंसिल करके तुम कर लो ना, तुम कर लो भोसड़ी के, और कर करना भाई ऐड करना उसको। कहां मैं गांड से कर लूंगा उसको ऐड, मैं कैंसिल करके दोबारा शुरू कर देना, लाइव आ जाओ ना। बहनचोद क्या चोद है यार ये, कर लो ना होस्ट यार, क्यों मर रहे हो तुम यार। आओ मधुर भाई आओ, मैं होस्ट कर रहा हूँ, चल ठीक है, डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर चला जाएगा ये।
नहीं जाएगा, बहुत लोग हैं यार उसको वो करवाएंगे अपन। आओ भाई मेरे वाले पे आ जाओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लाइव। ओके ओके।